आज शहीदों के पर्व को समर्पित वीर खालसा सेवा समिति के द्वारा लगातार 23 तारीख से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हमने 23 तारीख को पहले दिन जिला अस्पताल में चाय वितरण की थी और 24 तारीख को हमने इसी गुरुद्वारे में जरूरतमंदों को लिहाफ और कंबल वितरण किए थे। 25 तारीख को एक बहुत बड़ा स्टॉल दूध का हमने रेलवे स्टेशन पर लगाया था, जिसमें बिस्कुट भी वितरण करे और अलाव भी जलाए गए। और कल हमने झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे थे उनको स्वेटर और जैकेट दी और उनको लंगर भी जगाया। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने धमोरा जी से बाबा जी पैर से विकलांग हैं, गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, 20 किलोमीटर से चल के ये ब्लड डोनेट करने आए हैं। ये भी आए हैं और इनकी पत्नी भी ब्लड डोनेट कर रही है। कितने लोगों ने कम से कम किया? अभी कम से कम 25-27 लोग कर चुके हैं और ये ब्लड डोनेट अभी लगातार चल रहा है आपके सामने। कितने लोग दे पाएंगे? अब मुझे लगता है कि 35-40 लोगों का ब्लड हो जाना चाहिए, इससे बढ़ भी सकता है, कम नहीं होगा। और क्या कहना चाहिए? बस यही कि रक्त से किसी की जान बचाई जा सकती है, ब्लड देना एक सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और हमारी समिति ने लोगों को जागरूक किया है, तहसीलों में ब्लाकों में रक्तदान शिविर लगाकर, और आगे भी ये सेवा कार्य जारी रहेगी और हमारा मकसद यही कि रक्त के बिना किसी की जान ना जाए। देखिए, वीर खालसा सेवा समिति ने अभी अपने 5 दिन भी इसी जो प्रोग्राम था, जो बाल दिवस हमारे जो 4 साहबजादे और जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी थे, माता गुजर कौर जी, इनकी शहीदी को समर्पित होकर के ये 5 दिनों का प्रोग्राम रखा था, जिसमें कि ये आखिरी ब्लड डोनेशन कैंप है। जो पहले दिन चाय का वितरण करा गया था जिला अस्पताल के अंदर, दूसरे दिन जो है रजाइयों का और कंबलों का वितरण किया गया था, उसके बाद दूध का वितरण किया गया था। कल आपने देखा होगा कि कल जो है गरीब बच्चे जिनको बुला करके उन्हें जैकेट्स स्वेटर्स ये सारे दिए गए हैं। इसमें माननीय हमारे विधायक जी, नगर विधायक आकाश सक्सेना जी मौजूद थे और जो यहाँ के आरएसएस के जिला संयोजक हैं अजीत जी, वो भी मौजूद थे। और आज जो आखिरी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है वो इसी को मुख रखते रखा है कि हमारे छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी की शहादत को प्रणाम करते हुए, क्योंकि इनसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सेवा ही करी है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने भी जो शहादत दी थी वो कश्मीरी पंडितों के कहने पर हिंदुओं को बचाने के लिए दिया था, और गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहबजादे थे इन्होंने भी जो शहादत दी थी वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की खातिर और देश की रक्षा की खातिर दी थी। तो इसी को मुख रखते हुए आज का जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है आयोजित किया गया है। वीर खालसा सेवा समिति सारे इसके मेम्बरान और सारे लोगों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के सहयोग किया। महिलाएं भी दे रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल बहुत बढ़ चढ़ करके आज महिलाओं ने भी बहुत ब्लड डोनेट किया है, और अभी भी आप पीछे देख रहे होंगे कि एक महिला जो है यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही हैं, और ये खुद जो है धमोरा से चल करके आई हैं और इनके हस्बैंड और खुद इनकी जो है खुद महिला ने अपने ब्लड डोनेट किया।